अम्बेडकर नगर से है, जहां शादी के 3 माह बाद ही दहेज लोभियों ने कार व पैसे की मांग न पूरी होने पर नवविवाहित की जान ले ली और मायके वालों को गुमराह करते हुए आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मायके वालों ने गर्दन पर निशान को देखते हुए शव लेकर पहुंच गए कोतवाली टांडा, जहां पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर कुसमा गांव का है, जहां पर आकांक्षा उम्र लगभग 20 वर्ष का विवाह विकास गौड़ पुत्र रतपाल गौड़ निवासी इब्राहिमपुर कुसमा थाना कोतवाली टांडा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बीते 16 फरवरी 2020 को हुआ था। शादी में हैसियत मुताबिक दान दहेज के अलावा 3 लाख रुपए नकद भी दिया था। फिर भी मेरी पुत्री के ससुराल वाले एक अल्टो कार व 1 लाख रुपए नकद की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर मेरी पुत्री को परिवार वाले बराबर प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद मेरी पुत्री दूसरी बार विदा होकर बीते 4 मई 2020 को अपने ससुराल पहुंची और दहेज की मांग को लेकर ससुराल के लोगों को समझाया बुझाया गया था कि रविवार को सुबह लगभग 9 बजे आकांक्षा के ससुराल वालों ने फोन किया कि आपकी लड़की की हालत खराब है। जब आकांक्षा के पिता व परिवार जन ग्राम इब्राहिमपुर कुसमा पहुंचे तो आकांक्षा का शव एक तख्ते पर पड़ा मिला। उसके परिवार जन शव को अपनी कार में रखकर उसे कोतवाली टांडा लेकर पहुंचे। अमृतका के पति सास ननद देवर के विरुद्ध दहेज हत्या की कोतवाली में तहरीर दी। अमृतका का पति पशु चिकित्सालय टांडा में वैक्सीनेटर के पद पर कार्यरत है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 16 फरवरी 2020 को शादी हुई थी इसकी, उसके बाद ये 4/5/2020 को दोंग भी आया था तो परेशान कर रहे थे, गाड़ी और पैसे के लिए ही डिमांड हो रही थी और पहले भी इनकी डिमांड थी जब शादी में, तो हमने जो है कुछ एडजस्टमेंट करके कुछ हमा तुम्हा दोस्तों को जनात बातों इकट्ठा करके एडजस्टमेंट किया था, तो 3 लाख रुपए मैंने कैश दिया था सर, बरच्छे पर 3 लाख कैश दिया था, पूरा सामान गहना पूरा दिया था, बिटिया को दहेज भी सर पूरा दिया था। अब सर यहाँ भी पूरा लाल हुआ है हाथ, इधर भी पूरा लाल है, ऐसा पूरा ले करके और ये साइड में पूरा लाल है और यह पाउडर उडर लगाया हुआ है, पाउडर के नीचे देखिए रस्सी का निशान है, क्या है, अब दबा कर मारा है, लटका कर मारा है कि लटक गई, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे ना, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं सर। तो क्या इन लोगों ने जब ये मर गए तो उन लोगों ने क्या बताया कि कैसे मर वो सर, हमारे पहुंचने पर वो लोग सब टिट्टी उट्टी सब एकदम कंप्लीट किए थे, जलाने की व्यवस्था कर रहे थे। टांडा के इब्राहिमपुर कुसमा गाँव से एक सूचना आई कि एक महिला संदिग्ध अवस्था में मरी मिली है। उस सूचना पे हम लोग, कोतवाल साहब हैं, कोतवाल साहब टांडा, और हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो पता चला कि नहीं, वो लोग ऑलरेडी थाने पे डेड बॉडी लेके गए हैं, डेड बॉडी का पंचायतनामा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी घर वालों ने आरोप ऐसा लगाया है कि नहीं, पति के घर वालों के द्वारा इनकी मृत्यु कारित की गई है, जैसा सही होगा उस जाँच में आएगा, उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।